वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्रेफिल टीटीएन के दोस्तों आज के होने वाले मैच नंबर 3 के बारे में। दोस्तों आज का मैच नंबर 3 एआरएस और दोस्तों जेएसबी टीम के बीच खेला जाएगा। यह मैच दोस्तों ध्यान रखिएगा शाम के 4:45 से स्टार्ट होगा। इस वीडियो में दोस्तों आपका फोकस कहाँ पर होना चाहिए, तो दोस्तों देखो एआरएस टीम के दोस्तों सभी प्लेयर का रिकॉर्ड और उनके बारे में दोस्तों आपको वीडियो नंबर 1 में भी पता चल गया होगा, जो दोस्तों ऑलरेडी इनका फर्स्ट मैच हो गया है। लेकिन इस मैच में जो आपका मेन फोकस होना चाहिए वो दोस्तों होना चाहिए जीएसबी के सभी प्लेयर पे, क्योंकि जीएसबी दोस्तों अपना फर्स्ट मैच खेलेगी टूर्नामेंट का, ठीक ना। तो आप लोग दोस्तों वीडियो देख रहे हो तो वीडियो में दोनों टीमों के सभी प्लेयर का स्टैट्स है, स्टैट्स ध्यान से देखिएगा, ठीक ना, और बेस्ट कॉम्बिनेशन ध्यान से बनाइएगा, ठीक ना। क्योंकि आज का दोस्तों जो फर्स्ट मैच देखो, जो भी मैंने आपको ट्रम्प कार्ड प्लेयर प्रोवाइड किया था स्टैट्स को ध्यान में रखते हुए, फर्स्ट मैच में सभी प्लेयर ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया। चाहे जो मैंने आपको डिफरेंट कैप्टन दिया था जेड हसन, उन्होंने भी अच्छा बॉलिंग कर दिया और स्टिल अभी वो बैटिंग से भी स्कोर करेंगे। तो इसलिए कहता हूँ देखो मैच में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो दोस्तों, तो हमेशा प्लेयर का जो रिकॉर्ड है ना उसको ध्यान में रख के टीम बनाओ, कभी भी सिलेक्शन परसेंटेज को ध्यान में रख के मत टीम बनाना, ठीक ना। क्योंकि लोग दोस्तों ऐसे प्लेयर को भी पिक कर लेते हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, जो आपको इस वीडियो में भी देखने को मिलेगा। और जो भी मैंने टीम दिया है दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोई भी प्लेयर यदि उस टीम से नहीं खेलता है तो फाइनल कॉम्बिनेशन में पूरा कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम पर भी आपके साथ शेयर कर दूँ। तो आप सभी दोस्त टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा। जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दे, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजिली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। बात करें दोस्तों हम लोग एआरएस और दोस्तों जीएसबी के मैच में कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों इस मैच का कॉम्बिनेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, जहाँ पे दोस्तों आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा पी हर्ष का, जो दोस्तों टीटीएन तो नहीं टी20 में 7 मैच खेल के आ रहे, जहाँ पे आपको बैटिंग से 108 रन स्कोर किए। नेक्स्ट ऑप्शन आपको एन खान का मिलेगा, कमाल का प्लेयर है दोस्तों, 9 मैच ही खेले टीटीएन में, जहाँ पे बैटिंग से 185 रन स्कोर कर चुके हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको एस कदावर का ऑप्शन मिलेगा, जिनको आप इग्नोर कर सकते हो, टीटेन में 12 मैच खेले बट बैटिंग से सिर्फ 95 रन स्कोर किए। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से देखो मैं अभी तो एन खान को टीम में रख रहा हूँ, आप चाहो तो दोस्तों पी हर्ष को भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन पी हर्ष 3 नंबर पर बैटिंग करता है, यही इनका थोड़ा सा माइनस पॉइंट आपके लिए रहेगा, तो बैटिंग फर्स्ट करें तो ज़्यादा प्रेफरेंस देना। अब बात करें बैटिंग सेक्शन, तो दोस्तों यू अली का फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों टीटेन में 9 मैच खेले, जहां पे बैटिंग से 97 रन स्कोर किए। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जो आज का फर्स्ट मैच चल रहा है एआरएस का, उसमें दोस्तों यू अली बॉलिंग भी कर रहे थे, डैट मीन्स बैटिंग तो ठीक ठाक है ही, ओपन करेंगे बॉलिंग भी कर रहे हैं, इसलिए और इम्पॉर्टेंट बन जाए। फिर नीचेगा दोस्तों तो आपको पी कुमार का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों 4 मैच खेले टीटेन में, जहां पे बैटिंग से 16 रन स्कोर किए और 4 मैच में 1 ओवर बॉलिंग किए थे बट दोस्तों विकेट नहीं मिला था। फिर नीचे दोस्तों आपको पी परवेज का ऑप्शन मिलेगा, जिनका परफॉर्मेंस देखें तो टी20 में 7 मैच खेल के आ रहे हैं, जहाँ पर बैटिंग से 88 रन स्कोर किए हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा बी खान का, जो दोस्तों टीटेन तो नहीं खेले टी20 में, दोस्तों इन्होंने भी 6 मैच खेला है, जहां पे आपको बैटिंग से 72 रन स्कोर किए हैं। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको ए सुगातन का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों 2 नंबर पे आपके लिए बैटिंग करने आएंगे, परफॉर्मेंस देखें तो टीटेन में 9 मैच खेले हैं, जहाँ पर 84 रन बैटिंग से स्कोर किए हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको पी वास्टन का ऑप्शन मिलेगा, जिनका दोस्तों राइट नाउ मेरे पास कोई भी स्टैट्स उपलब्ध नहीं है, यदि ये खेलते हैं ये मैच तो इनका स्टैट्स मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। फिर नीचे दोस्तों आपको आर इस्लाम का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों टीटेन में 4 मैच के लिए, जहाँ पर बैटिंग से 24 रन स्कोर किया है। फिर नीचे दोस्तों आपको अब्बास का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों टीटेन तो नहीं खेले टी20 में 2 मैच खेले थे, जहाँ पर बैटिंग से 2 रन स्कोर किए थे। फिर नीचे दोस्तों आपको जी सिंह का ऑप्शन मिलेगा, 2% सिलेक्शन है बट दोस्तों अच्छा प्लेयर है, टीटेन में 10 मैच खेले, जहाँ पे बैटिंग से 158 रन स्कोर कर चुके हैं, तो इस प्लेयर पे आप ध्यान रख सकते हो। फिर नीचे दोस्तों आपको एस मिर्जा का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों टीटेन में 1 मैच खेले थे, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फील्डिंग किए थे, बॉलिंग बैटिंग नहीं किए थे। फिर नीचे दोस्तों आपको ए हरीश का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों टीटेन में 5 मैच खेले, जहाँ पर बैटिंग से 6 रन स्कोर किए,
लास्ट ऑप्शन आपको जेड खान का मिलेगा जो दोस्तों T10 में 11 मैच खेले जहाँ पे बैटिंग से 100 रन स्कोर किए हैं। अब बात करें दोस्तों हम लोग ऑलराउंडर सेक्शन, तो दोस्तों एम इनायत बॉलिंग करेगा दोस्तों, टीम का कैप्टन भी है, 9 मैच खेल चुके हैं T10 में जहाँ पे बैटिंग से 19 रन स्कोर किए और 9 मैच में 12 ओवर बॉलिंग करके 6 विकेट प्रोवाइड किए हैं। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको इन अवासी का ऑप्शन मिलेगा, सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हाई है दोस्तों, लेकिन ध्यान रखना इन्होंने 2 T10 मैच खेला है और दोनों मैच में दोस्तों ना बैटिंग की है ना दोस्तों बॉलिंग की है, और साथ ही साथ एक तो इनका एज भी बहुत ज़्यादा है। फिर नीचे आएगा भी रेड्डी, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों, कमाल के बैट्समैन है, T10 में 18 मैच के लिए जहाँ पे बैटिंग से 382 रन स्कोर किए और 18 मैच में 6 ओवर बॉलिंग करके 3 विकेट प्रोवाइड किए हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा आर खमारकर का। दोस्तों देखो खमारकर ना T20 मैच खेल के आ रहा है, T10 ये कभी खेला नहीं है, T20 में 9 मैच खेला है जहाँ पे बैटिंग से 71 रन और दोस्तों 9 मैच में बॉलिंग से 5 विकेट। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको पी बड़राजी का ऑप्शन मिलेगा, अच्छा दोस्तों ऑलराउंडर प्लेयर है, T10 में 10 मैच खेले जहाँ पे बैटिंग से 211 रन ऑलरेडी कर चुके हैं और 10 मैच में 16 ओवर बॉलिंग करके 9 विकेट प्रोवाइड किए, 5% सिलेक्शन है लेकिन दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। फिर नीचे दोस्तों आपको बी यूसुफ जई का ऑप्शन मिलेगा जो दोस्तों T20 खेल के आ रहे हैं, T20 में 11 मैच खेले जहाँ पे बैटिंग से 127 रन स्कोर किए और 11 मैच में बॉलिंग से 7 विकेट प्रोवाइड किए। फिर नीचे दोस्तों आपको एल गुरावली का ऑप्शन मिलेगा, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉलर है, इनका भी सिलेक्शन मात्र 2% है, बट आप रिकॉर्ड देखो 11 T10 मैच खेले और 14 विकेट ले चुके हैं, तो हम लोग कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको एफजान का ऑप्शन मिलेगा जो दोस्तों T10 में 12 मैच खेला है जहाँ पे बैटिंग से 258 रन स्कोर किए और 12 मैच में 7 ओवर बॉलिंग करके 3 विकेट प्रोवाइड किए, अच्छे बैट्समैन है दोस्तों, आप टीमें कंसीडर कर सकते हो। फिर नीचे दोस्तों आपको ए अस्कर का ऑप्शन मिलेगा जो दोस्तों T10 में 6 मैच खेले जहाँ पे दोस्तों आपको 5 ओवर बॉलिंग करके 3 विकेट प्रोवाइड किए हैं। लास्ट ऑप्शन आपको एच नागवी का मिलेगा जो दोस्तों T10 में 9 मैच खेल चुके हैं जहाँ पे बैटिंग से 55 रन और दोस्तों 9 मैच में 11 ओवर बॉलिंग करके 5 विकेट प्रोवाइड किए। तो ऑलराउंडर सेक्शन से यदि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पिक देखें तो एफजान एक मेरे को अच्छे पिक लगे, गुलाबिली तो दोस्तों मस्ट इंपॉर्टेंट पिक है, विकेट टेकर बॉलर है, और पी बैरागी, ये तीनों प्लेयर का दो सिलेक्शन है ना दोस्तों बहुत ही कम है, बट आप रख लेना टीम में। अब बात करें हम लोग बॉलिंग सेक्शन, तो दोस्तों आपको ई हाशमी का फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा जो दोस्तों T10 में 9 मैच खेले जहाँ पे आपको 12 विकेट प्रोवाइड किए और डेथ में दोस्तों बॉलिंग करने आते हैं, ध्यान रखिएगा। ए सजाद दोस्तों आपको पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, T10 में 24 मैच खेल चुके हैं जहाँ पे बॉलिंग से आपको 18 विकेट लिए हैं। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको ओ सजाद का ऑप्शन मिलेगा, ओ सजाद दोस्तों T10 में 11 मैच के लिए जहाँ पे आपको बॉलिंग से 9 विकेट प्रोवाइड किए। जेड हसन दोस्तों 9% सिलेक्शन है, बट दोस्तों आप कैप्टन भी कर सकते हो इस प्लेयर को, 9 मैच के लिए T10 में जहाँ पे बैटिंग से भी 129 रन स्कोर किए और 9 मैच में दोस्तों 17 ओवर बॉलिंग करके 9 विकेट प्रोवाइड भी किए। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको एस वेलागी का ऑप्शन मिलेगा जो दोस्तों T10 में 3 मैच के लिए जहाँ पे 4 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट प्रोवाइड किए। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको आर सरदार का ऑप्शन मिलेगा जो दोस्तों T10 में 6 मैच खेले जहाँ पे 11 ओवर बॉलिंग करके 4 विकेट प्रोवाइड किए, डेट मीन दोस्तों देखो तो सभी मैच में आई सरदार 2-2 ओवर का बॉलिंग करते हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको यू फारूक का ऑप्शन मिलेगा जो दोस्तों T20 में 3 मैच खेल के आ रहे हैं जहाँ पे 3 ओवर बॉलिंग किए थे और 2 विकेट प्रोवाइड किए हैं। फिर नीचे दोस्तों और भी ऑप्शन देखें तो आपको नीचे आर नबी का ऑप्शन मिलेगा जो दोस्तों T10 में 11 मैच ऑलरेडी खेल चुके हैं जहाँ पे 20 ओवर इन्होंने बॉलिंग भी किया और 10 विकेट प्रोवाइड भी किया और सिलेक्शन देखो तो मात्र 2% है। हाँ, डब्ल्यू अमरजाई को आप ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि ये T10 नहीं खेले हैं, 4 मैच T20 में खेल के आ रहे हैं जहाँ पे 12 ओवर बॉलिंग करके आपको 2 विकेट प्रोवाइड किए, लेकिन इस प्लेयर पे ध्यान रखना आर नबी अच्छा स्पिन बॉलर है दोस्तों। अब बात करें इस मैच के रिगार्डिंग कैप्टन VC ऑप्शन, तो दोस्तों कैप्टन VC आप यू अली को ट्राई कर सकते हो। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको भी रेड्डी का ऑप्शन मिलेगा, भी रेड्डी भी एक बहुत अच्छा दोस्तों टॉप क्लास बैट्समैन है, बैरागी भी दोस्तों एक टॉप क्लास ऑलराउंडर प्लेयर है, ये 3 प्लेयर हो गए। और बॉलिंग सेक्शन से जैसा मैंने बताया दोस्तों जेड हसन पे जरूर ध्यान रखिएगा, कैप्टन VC के ये भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन है, ठीक ना। अभी मैं दोस्तों जेड हसन को कैप्टन किया हूँ और वाइस कैप्टन दोस्तों मैं भी रेड्डी के साथ गया हूँ, और अभी के लिए दोस्तों ये टीम मेरा फाइनल टीम है, आप लोग इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखिए। टॉस के बाद दोस्तों यदि इस टीम में कोई प्लेयर नहीं खेलता है तो जो मैंने ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया है उन पे आप फर्स्ट फोकस करना, ठीक ना।
और मैं भी कोशिश करूंगा कि इस मैच का फाइनल कम्बिनेशन आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूं। तो आप सभी दोस्त टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दें, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक ना दोस्तों, फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट T10 के वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय।